तो गाइस आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज के फोर्थ पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने की बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, लेकिन आज हम लोग जिस प्रोसेस का बात करेंगे, आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा, हम लोग बात करेंगे बाई एल्कोहल्स एंड बाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हम लोग एल्कोहल्स से देखेंगे कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं और हमारे कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि एल्कोहल्स के तीन काइंड होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यहाँ पर जो प्रिपरेशन के लिए एल्कोहल यूज किया जाएगा बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल का यूज करेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्यों नहीं यूज करेंगे अभी आगे बात करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, RCH2OH। बच्चों RCH2OH का हमें ऑक्सीडेशन कराना होगा, तो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग जो प्रेपरेशन कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो बच्चों एल्कोहल के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीडेशन जो कि हो रहा है तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर यूज होगा, तो इस रिएक्शन के लिए बच्चों कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं यूज करेंगे उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं वो आपको याद रखने होंगे, हम लोग बच्चों K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और इसको हम लोग यूज करेंगे बच्चों एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में, या आप यूज कर सकते हैं KMnO4 का, और इसको आप एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल किसी मीडियम में भी ले सकते हैं। पहला हो गया K2Cr2O7, दूसरा हो गया बच्चों मेरा KMnO4 हो गया पहला, दूसरा या क्रोमिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, CrO3 का, और वो भी किसकी प्रेजेंस में बच्चों, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इनमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं तीनों में, ये तीनों इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे और ऑक्सीडाइज करके आपको क्या कंपाउंड दे देंगे, RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन नहीं होते हैं, तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है इसमें वो देखिएगा बच्चों, RCH2OH पहले ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब तो वो हमें क्या दे देगा, RCHO, फर्दर इस RCHO का फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों, और ये क्या बना देगा, RCOOH। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं जो ऊपर लिखे गए हैं, दैट मीन्स एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7, बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में KMnO4, या क्रोमिक ऑक्साइड का H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपके जो 1 डिग्री एल्कोहल हैं वो डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके ही रुकेंगे। लेकिन अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे, आगे तक नहीं पहुँचा पाएंगे। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं बच्चों, फेरिंग सोल्यूशन हो सकता है आपका, टॉलेंस रिएजेंट हो सकता है, आपने पढ़ा होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के बारे में, हम लोगों ने पीछे के वीडियोस में भी बात की थी। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, अगर R की जगह में मैं यहाँ पे CH3 पुट कर दूँ, CH3CH2OH, तो देखिए यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3CHO। खास बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो R की जगह पे एल्किल ग्रुप लगाया जाएगा, यहाँ R की जगह पे CH3 लगाया गया है, वो देखिए रिटेन रहता है, वो CH3 वैसे ही बना हुआ है, उसमें कोई चेंजेज नहीं आ रहे, रिमेनिंग जो पोर्शन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये चेंज हो जाएगा CH3COOH। तो बच्चों आप देख रहे हैं अभी भी जो CH3 एल्काइल ग्रुप हम लोगों ने यूज किया था वो अभी भी स्टे कर रहा है, वैसे ही रुका हुआ है। तो इसको जरा एक और चीज़ यहाँ पे पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा, पहला पॉइंट आप क्या नोट डाउन करेंगे कि जो भी एल्किल ग्रुप लगाया जाता है वो रिटेन रखता है अपने आप को, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आप क्या नोट करेंगे, जितने कार्बन का एल्कोहल यूज करेंगे उतने ही कार्बन का आपको बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑब्टेन होगा, 2 कार्बन का एल्कोहल यूज किया गया है तो 2 कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। अब मैंने आपको वीडियो जब स्टार्ट किया था वहीं पर पहले ही रोक दिया था और ये बताया था कि आप जो यहाँ पे एल्कोहल यूज कर रहे हैं ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका प्रेपरेशन हम लोग बच्चों क्या करेंगे,
बाई 1 डिग्री से कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 डिग्री अल्कोहल, या इन्हीं को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं, 1 डिग्री कह सकते हैं, या आप इन्हीं को क्या कह सकते हैं, दैट दीज आर द प्राइमरी अल्कोहल्स। यहाँ पे एक खास बात नोट डाउन करिएगा कि 2 डिग्री अल्कोहल्स का हमने क्यों नहीं यूज किया। बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो हमें कीटोन्स देते हैं। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड्स, CHO फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड्स मिल रहे हैं, और जो 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो हमें कीटोन्स देते हैं। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन बच्चों पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, वगर्स कंडीशन में, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में हम लोग उनको ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है, और नॉर्मल कंडीशन में तो 2 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज ही नहीं होते हैं, ठीक है ना, कीटोन्स नहीं ऑक्सीडाइज होते, 2 डिग्री अल्कोहल्स कीटोन्स तो देंगे, लेकिन कीटोन्स आगे फर्दर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देंगे, और 3 डिग्री जो भी अल्कोहल्स होते हैं बच्चों वो तो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है। इसलिए जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जाएंगे तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से दिमाग में बैठा के रखेंगे कि हम लोग जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे होंगे तो उसके लिए जो अल्कोहल यूज़ किया जाएगा बच्चों वो कौन सा यूज़ किया जाएगा, ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल का ही यूज़ किया जाएगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री का नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर जो भी बच्चों देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए गए हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बहुत ध्यान से याद रखने होंगे, एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में KMnO4, और या फिर आप CrO3 का H2SO4 के साथ यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो मेरा पहला मेथड कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोगों को क्या बात करनी है, बाय द हम लोगों ने ये अल्कोहल्स का भी प्रिपरेशन किया है, अब हम लोग बच्चों करने जा रहे हैं बाय कार्बोनिल ग्रुप, जिनमें कार्बोनिल ग्रुप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे ये तो प्रिपरेशन था अल्कोहल से, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोनिल ग्रुप 2 कंपाउंड्स में होता है। अगर हम बात करें कि कार्बोनिल ग्रुप किस में एग्जिस्ट करता है, तो ये बच्चों जो कार्बोनिल ग्रुप है, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ पहले, तो मैं किससे इसको फॉर्मेट करना जा रहा हूँ, बाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों हम लोगों ने 2 तरह के कंपाउंड्स पढ़े हैं, एक एल्डिहाइड्स और एक कीटोन्स, और मैंने आपको 2 मिनट पहले ही बता दिया है कि आप कीटोन्स से नहीं बना सकते, दैट मीन्स हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड्स लेने पड़ेंगे। तो एल्डिहाइड्स अगर आप ले रहे हैं बच्चों, तो आपको पता है कि एक एल्डिहाइड में यहाँ पर नेसेसरी तौर पे H होगा और यहाँ पर या तो R या तो H होगा, ठीक है ना, ये कंडीशन होती है एल्डिहाइड्स की कि एक वैलेंसी पर हरदम क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, और दूसरी वैलेंसी पे या तो हाइड्रोजन हो सकता है या एल्किल ग्रुप होगा। अभी मैं इन दोनों को ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका बच्चों अगर हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं R, ठीक है ना, यहाँ पे मैं H लिख दे रहा हूँ, ये H और R, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, RCOOH, ठीक है ना। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखने वाली बात यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में आप चाहें तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपके काम करेंगे। तो कौन से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों यहाँ पे काम कर सकते हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा, आपको अच्छे से याद होगा, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि आप टॉलेंस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं, बच्चों टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है बच्चों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, याद होगा अगर आपको। और दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन। तो बच्चों फेहलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेहलिंग सॉल्यूशन आपको मैंने पीछे के वीडियोस में भी क्लियर किया था, एक बार हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ कि ये 2 पार्ट से मिलकर के बना होता है, फेहलिंग सॉल्यूशन ए और फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन में जो ए होता है वो CuSO4 का सॉल्यूशन होता है, और फेहलिंग सॉल्यूशन भी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, बच्चों नोट डाउन करेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको हम लोग रोसेल साल्ट भी बोलते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बेनेडिक्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, स्ट्रांग तो करेंगे ही करेंगे ऑक्सीडाइज। अब देखिए मैं सबसे सिंपल जो आपका कंपाउंड है जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं SCHO, उसका मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, और इससे आपको क्या मिल जाएगा, HCOOH। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको HCOOH मिलेगा, किसका आप यूज कर सकते हैं, इसका और इसका यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखें। वैसे तो हमें रिएक्शन दूसरे टाइप पे लिखनी चाहिए, लेकिन मैं आपको सिंपलिस्टिक वे में समझा रहा हूँ कि आपको जब रिएक्शन करनी हो तो आप Ag2O का यूज कर लीजिए, ठीक है ना, जब भी आपको टॉलरेंस रिएजेंट यूज करना हो तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा HCOOH,
और 2AgO, जिसका आपको PPT मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ये सिल्वर मिरर के तौर पे आ जाता है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है उसमें चारों तरफ चिपक जाता है और चांदी जैसा चमकता है। बच्चों अगर आप स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या होगा, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, इसको और आगे ऑक्सीडाइज कर देंगे और इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। किसमें ब्रेक डाउन कर देंगे, H2O प्लस CO2 में। तो इसीलिए आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जब भी एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो आप कोशिश करिए कि आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज फेलिंग सॉल्यूशन एंड द टॉलरेंस रिएजेंट, इनका आप यूज करिए। अगर आप Ag2O के स्पेस पे चाहें तो, अगर यहाँ पे आप चाहते तो SCHO प्लस आप यूज करते 2CuO का और ये रिएक्ट करके आपको क्या देता, HCOOH और प्लस Cu2O। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमने यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लिया है वो आपको क्या बना के दे रहा है, फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे आपको Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा। बच्चों ये रेड प्रेसिपिटेट है, ये रेड प्रेसिपिटेट होता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, एक तरह का हम लोगों ने जब ग्लूकोज भी पढ़ा था, क्योंकि ग्लूकोज एक एल्डोस शुगर है जिसमें एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है ग्लूकोज में, तो वहाँ पे इसको आप उसके एज ए टेस्ट के तौर पे, परीक्षण के तौर पे भी इस रिएक्शन को करते हैं। तो ये रिएक्शंस को आप एल्डिहाइड्स के टेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर तो ये एज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के तौर पे वर्क कर रहा है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने दो मेथड्स के बारे में पढ़ा, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए। एल्कोहल्स के बारे में क्या पढ़ा कि आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने हैं, कौन कौन, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन एसिडिक और बेसिक और किसी भी मीडियम में न्यूट्रल में ले सकते हैं, CrO3 प्लस H2SO4 यूज करेंगे, वो एल्कोहल्स को पहले कार्बोनिल में और कार्बोनिल को फिर आपके कार्बोक्सिलिक में चेंज करेंगे, पर वहाँ पे आपको क्या मेंशन रखना है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स का हम लोग यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है, एस टॉलेंस रिएजेंट, फेयरिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इनसे आपको जो किटोन्स होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड में किटोन्स बच्चों इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो उनसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपाउंड्स आपको मिलना उतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ इससे आपको इजीली मिल जाएंगे जब आप एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करा देते हैं। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बहुत हार्ड तौर पे ले लेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए, कि वो अगर मान लीजिए आपने Ag2O लिया तो रिएक्शन यहाँ तक चलेगी, और अगर आपने ले लिया K2Cr2O7 तो वो SCOOH को इसमें भी चेंज कर देंगे। इसलिए यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही अच्छा काम करेंगे। बच्चों ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सीरीज का ये फोर्थ वीडियो है, और हम लोग अभी इस सीरीज में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी कंप्लीट सीरीज को फॉलोअप करेंगे, जो वन बाय वन आपको टाइम टू टाइम पे अपडेट मिलती रहेगी। मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी वीडियोज अगर देख रहे हैं तो आप उनका एक स्पेशल सा नोट्स बना के रखें सीरियल वाइज, और फिर आप उनकी स्टडी करिए सीरियल से, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कहीं पे कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक से रिलेटेड, या कुछ वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एकदम निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर पूछिए। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, अगर कोई समस्या आ रही है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको कोई भी सी भी एक बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, इस चैनल के बारे में उन्हें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।